हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीड टू नॉलेज और मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ डेटा ले रखा है जिसमें अलग अलग मैंने डिपार्टमेंट ले रखे हैं और इसमें एम्प्लॉय नेम भी है और हर एक एम्प्लॉय ने कितनी कितनी सेल की है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है और मैं ये सारे सेल्स का टोटल करना चाहती हूँ। तो उसके लिए ये तो आपको पता ही है कि टोटल निकालना कैसे होता है और सम निकालने के भी कई तरीके हैं जो मैंने मेरी एक्सेल की पुरानी वीडियोस में आपको बताया था। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मुझे टोटल के आगे यहाँ पे टोटल करना है इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे ये रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसका सम निकालना चाहती हूँ और उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। अभी आपको यहाँ पे टोटल सम नजर आ रहा है और अभी मैं चाहती हूँ कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने कितनी सेल की है। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा रखा है, तो फिल्टर से मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ और ओके किया। अभी आईटी डिपार्टमेंट के हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं और इन्होंने जो सेल की है वो इतनी की है और ये जो इनकी 4 की सेल है वो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो ये तो सारे डिपार्टमेंट्स का टोटल दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं इसको फिल्टर को हटा देती हूँ और अभी मैं चाहती हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग से टोटल आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब टोटल के आगे इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ इक्वल टू सब टोटल और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनमें से क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए। तो आपने इनमें से जो भी सिलेक्ट करना है आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे अभी सम करना है तो सम का नंबर जो है वो 9 है। मैं या तो 9 टाइप कर लूंगी या इसे डबल क्लिक कर दूंगी और डबल क्लिक करके ये 9 यहाँ पे आ गया। अभी मैं कोमा लिख रही हूँ और इसके बाद मैंने रेंज देनी है, तो मैं ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे जो सब टोटल दिखा रहा है वो 6,94,000 दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ से अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करती हूँ और अभी आप देखोगे यहाँ पे जो टोटल है वो तो उतना ही दिखा रहा है लेकिन इसका सब टोटल जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो अभी इसका डिपार्टमेंट चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं अभी आईटी का चूज कर रही हूँ, ओके किया, तो अभी आईटी का जितना भी टोटल है वो यहाँ पे इसने शो कर दिया। ऐसे ही मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इसने क्या किया, यहाँ पे जो मार्केटिंग का टोटल है वो यहाँ पे इसने शो कर दिया। तो ये तो सम था। ऐसे ही आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो वैसे ही लगा सकते हैं जैसे मैंने सब टोटल लगाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को हिट जरूर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।